दर्शन कर लेने पर ही और केदारनाथ जी का दर्शन पूर्ण माना जाता है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान। और किसी भी अवस्था में शिवरात्रि व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की महिमा वह नहीं जानती थी, पर मजबूरी में भूखी रह गई, जागरण कर लिया, धोखे से बिल्वपत्र शिवलिंग पर पड़ गया, उसकी ऐसी महिमा हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक सविधि शिवरात्रि व्रत करते हैं, नित्य प्रति भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। मित्र सह का भी चरित्र आया और उत्तर दिशा में अनेक शिवलिंगों का स्मरण करने के बाद यहां लिखा है कि गोकर्ण में स्नान करके चंद्रभाल का पूजन करके शिवलोक प्राप्त करता है। मिश्रिख, ये मिश्रिख जो है उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य क्षेत्र में मिश्रिख है, जहां दधीची के महाभिषेक के लिए संपूर्ण तीर्थों का जल मिश्रित हो गया था, इसलिए उस तीर्थ का नाम मिश्रित हुआ और वर्तमान में उस मिश्रित तीर्थ को ही अपभ्रंश में मिश्रिक कहते हैं। वहाँ श्री दधीच नामक भगवान शिव विराजमान हैं। दधीच महर्षि ने उनको विराजमान किया था। दधीचेश्वर शिवलिंग का पूजन नैमिष क्षेत्र में जाकर अवश्य करना चाहिए। बोलो दधीचे दधीचेश्वर महादेव की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य उसी मिश्रिक क्षेत्र के निकट कुर्सी गांव में कान्यकुब्ज विप्र परिवार में, एक पवित्र त्रिपाठी विप्र परिवार में उनका जन्म श्री गोमती नदी के तट पर हुआ था। बड़ा पवित्र क्षेत्र है वो। नैमिषारण्य में भगवान शिव भूतनाथ के रूप से विराजमान हैं। उनके दर्शन से तद्दर्शनात् पूजनाच्च जनानाम पापिनाम अपि भुक्ति मुक्तिश्च तेषां तु परित्रेह मुनीश्वरः। उन्हीं भूतनाथ भगवान को ऋषिश्वर कहते हैं, ऋषियों ने उनको वहां विराजमान किया है। देवप्रयाग तीर्थ में भगवान शिव ललितेश्वर के रूप से विराजमान है। बोलो ललितेश्वर महादेव की। नयपालाख्यपुर्यान्तु प्रसिद्धायां महीतले लिंगम पशुपति शाख्यम सर्वकाम फलप्रदम शिरोभाग स्वरूपेण शिवलिंगम तदस्ति तत्कथां वर्णयिष्यामि केदारेश्वर वर्णने। पृथ्वी पर नेपाल नामक पुरी में क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ विराजमान हैं। पशुपतिश्वर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान केदारनाथ हिमालय में पृष्ठभाग है और उनका शिरोभाग पशुपतिनाथ है, इसलिए पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लेने पर ही और केदारनाथ जी का दर्शन पूर्ण माना जाता है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। नेपाल क्षेत्र में ही भगवान शिव मुक्तिनाथ नाम से विराजमान है। बोलो मुक्तिनाथ भगवान की जय। दर्शनाद् अर्चनात् तस्य भुक्तिर्मुक्तिश्च लभ्यते। दर्शन और अर्चन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। 12 योजन की भूमि मुक्ति भूमि कही गई है। वहाँ के जितने पर्वत हैं वो सब दिव्य हैं,
उनको नारायण स्वरूप शालिग्राम स्वरूप माना गया है। महाक्षेत्रा वसुंधरा, श्री हाटकेश्वर भगवान का स्मरण ऋषियों ने किया है। मूल शिवलिंग हाटकेश्वर वे तो पाताल में विराजमान हैं, दैत्य उनकी पूजा करते हैं। बोलो हाटकेश्वर भगवान की जय। अंधकेश्वर भगवान शिवलिंग का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये पूर्वी समुद्र में, समुद्र की ओर ये विराजमान हैं। भगवान ने भगवती परांबा श्री पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए बटुक ब्रह्मचारी रूप में आकर उन्हें दर्शन दिया था, उनके प्रेम की परीक्षा ली थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सोमनाथ महादेव का चरित्र कल द्वादश ज्योतिर्लिंगों के क्रम में हम स्मरण कर चुके हैं, इसलिए पुनः उस चरित्र को हम नहीं कहेंगे। यहाँ कोटि रुद्र संहिता में पुनः उनका स्मरण किया गया है। एक श्लोक बोल देते हैं, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृत स्वर्गम समीहते। कहते सोमलिंग का दर्शन, सोमनाथ महादेव का दर्शन करके जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल को प्राप्त करके मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी भारी महिमा का वर्णन शिव पुराण में किया गया है।